अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वी डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग एंड आवर टुडे टॉपिक इज कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड जो किस वजह से बने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, यानी कि टू एटम्स के दरमियान जो है ऐसा बॉन्ड बनना जो कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, ना एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और ना ही दूसरा गेन करे। ऐसी कंडीशन हमने किस में पढ़ी थी, आयोनिक बॉन्ड में। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच लिंक्स द एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि दोनों एटम आपस में एक दूसरे के ऑक्टेट या डुप्लेट को कम्प्लीट करते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, शेयर करें, तो जो बॉन्ड हमारे पास बने वो कोवेलेंट बॉन्ड है। इन कोवेलेंट बॉन्ड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल शॉर्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, द हैलोजन पजेस एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन विच देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जो क्लोरीन है वो हमारे पास ग्रुप 7 में आता है और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम हैलोजन्स कहते हैं। तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला, क्योंकि वो 7 ग्रुप में मौजूद है। तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों क्लोरीन के एटम को अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए मज़ीद एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगी, सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके भी वैलेंस शेल में रोटेट करेगा और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके भी वैलेंस शेल में रोटेट करेगा, जिससे क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हों, शेयर हों, तो क्या बनता है वो, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय द बॉन्डेड एटम्स इन विच ईच एटम हैज टू शेयर वन इलेक्ट्रॉन। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनती है, जब दो एटम्स क्या करें, अपना वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर करें। इस हाइड्रोजन एटम ने अपना वन इलेक्ट्रॉन यानी कि शेयर किया, इस हाइड्रोजन एटम ने भी अपना वन इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बॉन्ड हमारे के पास क्या बना, सिंगल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड बने बाय शेयरिंग ऑफ सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन, दो एटम अपने वन वन इलेक्ट्रॉन जो कि उनके वैलेंस शेल में मौजूद हैं, अगर उनको शेयर करें तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन ने अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन ने भी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, हमारे पास क्या बना रिजल्ट में, HCl। तो बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अगर मैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करती हूँ, तो क्या है, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय बॉन्डेड एटम्स। दो एटम से जो बॉन्ड बना रहे हैं वो आपस में अपने टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें, तो हमारे पास क्या रिजल्ट में बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम टू शॉर्ट लाइन से डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इस ऑक्सीजन ने अपने दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, किसके साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ। इसने भी अपने क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो हमारे पास क्या बने, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास बॉन्ड क्या आया, डबल। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो पेयर ऑफ शेयर, मतलब ये जो दो पेयर हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के, ये दोनों के वैलेंस शेल में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और इससे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ, तो कार्बन के पास कितने फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में। उसने ये दो जो फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इस ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर किए हुए हैं और दो इस ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर किए हुए हैं। ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यों, क्योंकि ये ग्रुप 6 में होता है। तो इसने अपने जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इसके साथ शेयर कर दिए हैं और इस वाले ऑक्सीजन एटम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर दिए, कार्बन के इन दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर दिए हैं। तो जिससे हमारे पास क्या बना है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान और डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। तो ये हमारे पास क्या थे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
अगर मैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँ तो ओनली 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, शेयर हों। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ, नाइट्रोजन गैस की बात करती हूँ, तो इसने अपने क्या किए हुए, इस वाले नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो हमारे पास पेयर कितने बड़े, 1, 2, 3। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर किए जाएं और तो वो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 शॉर्ट लाइन से डिनोट कर रहे होते हैं। सिंपली अगर मैं इथाइन की बात करूँ तो इथाइन में जो कार्बन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस वाले के साथ भी शेयर किए हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके साथ भी किया हुआ है, तो 2 कार्बन एटम है, ठीक है। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर किया, हाइड्रोजन के साथ, बाकी के 3 बराबर वाले कार्बन के साथ किए। इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, इस तरफ वाले कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और बाकी का जो एक बचा वो इस हाइड्रोजन के साथ किया। तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, लेकिन कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की एग्जाम्पल है। तो ऐसे एटम्स या ऐसे बॉन्डेड एटम्स जो क्या करें, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करें, सिंगल, डबल या ट्रिपल, तो हमारे पास कौन से कोवेलेंट बन जाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं करेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, बॉन्ड्स की तो हमने बात कर दी, ऐसे कंपाउंड जो क्या बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं। कंपाउंड विद कोवेलेंट बॉन्ड्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, यानी कि मॉलिक्यूल, जिस तरीके से वो मॉलिक्यूल बनाते हैं उनके दरमियान वीक वैन डेर फोर्सेस होती हैं, किनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक वैन डेर वाल फोर्सेस होती हैं। इसी तरीके से इन सॉलिड स्टेट देयर आर वीक वैन डेर वाल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्यों वीक वैन डेर फोर्सेस होती हैं वीक हमारे पास, क्योंकि उनके जो है आपस में जो उनके बॉन्ड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, वो मॉलिक्यूलर फोर्स उनके दरमियान वीक होता है। Hence, covalent compounds are often gases. तो इसी वजह से covalent compounds हमारे पास किस में पाए जाते हैं, gases में, liquids में और soft solids में। Solids हैं लेकिन soft हैं, किस वजह से, क्योंकि उनके दरमियान, उनके molecules के दरमियान, उनके atoms के दरमियान weak van der Waal forces हैं। In few cases, three-dimensional covalent structures are formed rather than discrete units. वीक वंडरफॉल फोर्सेस होने के बावजूद या इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस को वीक होने के बावजूद वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी रखते हैं, जैसे कि हमारे पास सिलिका है Si2, सैंड हम देखते हैं ना, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें, आर कोवेलेंट बट वेरी हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं सिलिका की बात करूँ तो सिलिका हार्ड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होगा, लेकिन अगर मैं यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करूँ तो कोवेलेंट कंपाउंड्स ज़्यादातर सॉलिड नहीं पाए जाएंगे और हार्ड भी नहीं होंगे, और उनका जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। दे आर इंसुलेटर्स, क्यों हैं इंसुलेटर्स, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो इंसुलेटर इस वजह से क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स यानी कि एक जैसे, पोलर सॉल्वेंट्स में क्या है, इनसॉल्युबल है, लेकिन बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बनते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, वो सॉल्युबल हो जाते हैं। अब एग्जांपल किस किस की दी है, बेंजीन में सॉल्युबल हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ईथर में सॉल्युबल हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, सॉल्युबल। तो क्लास आज का टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है, इसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और कंपाउंड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में भी हमने पढ़ा। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। आपने ये काम अपनी कॉपी में करना है और इसको याद भी करना है।